देशों के 40,000 दुनियाओं में लोगों के सपने तोड़ने वाला सस्ता शार्क टैंक अब आ चुका है हिंदुस्तान में, जिसने नए एंटरप्रेन्योर्स और दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स दोनों को सड़क पे लाके बेच दिया है। इस शो का फॉर्मेट सिंपल है, आपको आके अपने धंधे का आइडिया सुनाना है। मैंने एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया है जिससे कहीं भी कभी भी बॉय डिटेक्ट हो सकते हैं। मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी का क्रिएशन किया है जिसे आप बिना ग्लास को छुए कुछ भी पी सकते हो। इसमें नया क्या है, ये तो तू स्ट्रॉ ही बेच रहा है। इसमें नया मेरा ब्रांड का नाम है, चूस ले। जिसके बदले शार्क्स यानी कि हमारे जजेस आप पे पैसा फेंकेंगे और आपकी लेंगे पार्टनरशिप, जिसे अमीरों की भाषा में इक्विटी कहते हैं। ओए 10% 20% आई एम आउट 110% तब क्या नंगा हो जाऊं। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में से पूरे 10 लोगों ने अप्लाई किया सस्ता शार्क टैंक के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 सिलेक्ट हुए, लेकिन हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 7 ही, क्योंकि बाकी 8 फड़वे थे। तो चलिए हमारे शार्क्स यानी कि जजेस से मिलते हैं। नंबर 1 पनीर ग्रोवर, ये भारत दे द वसूलिया के फाउंडर है और इनका दिल हमेशा ही बदतमीज रहता है। नंबर 2 बबीता पापड़, ये है पापड़ क्वीन ऑफ इंडिया। नंबर 3 उत्तपम मिसल, ये कोई खाने की डिश नहीं, ये devotes.com के मालिक है। और नंबर 4 अमन गुप्ता की सस्ती कॉपी जमन गुटका, ये बोट नहीं गोट के फाउंडर है। चलो यार अभी बस करो, बहुत इंट्रो हो गए, चलते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट की तरफ। भाई ये क्या है, हमारा शो सस्ता है तो ऐसे चालू करेंगे? हेलो शार्क्स, जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ पर लोगों की गांड से ज्यादा टायर फटते हैं। वाओ, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है। प्रेजेंटिंग टू यू TMKP। है भाई, मैंने TMKC सुना है, MKC सुना है, MCBC सब सुना है, ये TMKP क्या है? चमन मैं तेरे को समझाता हूँ, ये TMKC ही है, इसने बस इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके TMKP कर दिए, सी का पी कर दिया। ओ बॉस, तू ना इंग्लिश में नाम रखने से ग्लोबल नहीं हो जाएगा, तेरे को ना लोकल मार्केट समझना पड़ेगा, इसका नाम TMKC ही रहने दे, समझा? काफी घटिया नाम रखा है तुमने। अरे घटिया तो तेरा नाम भी है, फिर भी तू बिक रहा है ना। कमाल है यार, 200 कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर चुका हूँ, बात कैसे कर रही है? सर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, इसका फुल फॉर्म है तेरी माँ की फूक। शार्क्स इंडिया का पहला लाइव टायर इन्फ्लेटर है और ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। ए हवा फूकना। मैं नहीं फूकेगा, मेरे को छाती में दर्द होता है। ये फूकता है। और शार्क्स ये बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल है। ये क्या कर रहे हैं? और शार्क्स ये कॉस्ट एफिशिएंट है। पागल है क्या मादरचोद? भाई क्या कर रहा है तू, ये क्या मजाक है? सर ये मजाक नहीं है, he blows really well. ए तेरे को कितनी बार बोला हिंदी में बोला कर, ये blow blow किया क्या, जॉब दे रहे क्या वो लोग? मत दो उसको पैसा। ओ बॉस, तुम ना टेक्नोलॉजी के नाम पे एक आदमी लेके घूम रहे हो जो टायर में हवा भरते, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं भी कर सकता हूँ। ओ हाँ भाई, हम भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर नहीं कर पाएंगे आप। मतलब तुम बोलना चाहते हो हम फूक नहीं मार सकते? ट्राई करके देखिए। तमाचा किसने मारा है? थप्पड़ किसने मारी? कमाल है, एक बात समझ नहीं आ रही है, इसने सिर्फ कौन है बदतमीज? ओ भाई ये थप्पड़े कौन मार रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। सर हमने फूक मारना पेटेंट करवा दिया। पेटेंट करवा दिया मतलब? पेटेंट, आप अगर कोई आइडिया को अपने नाम पे रजिस्टर करते हो तो आप उसके नाजायज बाप बन जाते हो, और अगर आपका आइडिया कोई यूज करे तो आप उसको नाजायज बाप की तरह पीट सकते हो। एक मिनट, मतलब तू ये कहना चाहता है कि इसके अलावा दुनिया में और कोई फूंकी नहीं मार सकता? नहीं सर, और इसीलिए हमारा प्रोडक्ट है मल्टीपर्पस, इसे आप अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज, रोमांटिक डेट्स, फिल्म शूट्स एंड VFX और हॉस्पिटल्स में भी। ओ भाई मैं आउट हूँ यार। नहीं यार मैं भी आउट हूँ। ये जो आपकी फील्ड है इसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ब्लोइंग, गुड जॉब। बॉस बॉस मैं इन हूँ, ठीक है,
मेरे को ना तेरे प्रोडक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। प्रोडक्ट तेरा बहुत वाहियात है, इसमें खुद हवा नहीं है, टायर में क्या हवा भरेगा। मेरे को इंटरेस्ट है तेरे पेटेंट में, ठीक है? तो मुझे पता तुझे कैश कितना चाहिए। कैश? अरे यार मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? थोड़ा तमीज और लजीज से बात करो। अब ये लजीज क्या होता है? लजीज? अरे ओ लौड़े, बात कर रहा हूँ ना मैं, रुक ना। भाई तू मेरे को बता तेरे को कितना चाहिए। सर अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूएशन, साहब जो देना दे दो साहब, भगवान भला करेगा साहब, प्लीज इसका खर्चा बहुत भारी पड़ रहा है साहब, छाती पे सर। अरे तुम यार, ठीक है चल डन, मैं ना तेरे को पूरे 10,000 रुपए देता हूँ, इसकी ना 50% इक्विटी मेरे को दे दे। डन सर, ले लो 50%। 50% मतलब क्या, बीच से काटोगे क्या? अरे नहीं, तेरे को शेयर करेंगे अपन। शेयर नहीं, नहीं मेरे को शेयर नहीं होने का। ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा पेटेंट खरीद के बहुत मजा है, आराम से फूंक मारूंगा। बिताऊ साला, ए मैं नहीं, ए मैं छोड़, मेरे को मैं फूंक मारेगा साले तेरे को, छोड़। हेलो शार्क्स, मैं आपके लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट लाया हूँ। वाह भाई, अब आया ना असली प्रोडक्ट, मुझे खाने पीने के प्रोडक्ट बहुत पसंद है। अबे मंदिर के भिखारी, तेरे को हमेशा कुछ ना कुछ खाना ही रहता है, पूरा टाइम चढ़ते रहता है। उस दिन मेरी छोटी उंगली को पनीर समझ के चबा रहा था ये। अच्छा छोटी उंगली थी इसलिए इतनी लंबी थी। तू ना मेरे साथ उंगली मत कर, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, समझा? ये पनीर फटा हुआ दूध है यार, तू आया प्रोडक्ट खिला यार, सीधा मेरे मुंह में डाल दे, आजा। हीरे की परत जौहरी को ही होती है। अरे जौहरी जी ये लीजिए। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, क्या बीच में खट्टा खट्टा क्या है? हाँ क्योंकि इसमें चूहे की टट्टी जो है। तो ये है हमारा असली प्रोडक्ट। क्या है, लोगों को देश में थूकने की बहुत बीमारी है, तो इसीलिए हमने ये जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है। क्या है, लोगों की हरकतें ही वैसी है। कीजिए कीजिए, एंजॉय कीजिए। एंजॉय कीजिए मतलब ये क्या एसएल वर्ल्ड है जो एंजॉय करे? सो शार्क, आई प्राउडली प्रेजेंट माय प्रोडक्ट, स्पिट मी डैडी। यार एक बात, तुम्हारी डाइजेस्ट नहीं हो रही है मुझे। अबे अगर तेरे को कुछ डाइजेस्ट नहीं होता तो बीच में हकता क्यों है फिर? यार इसे कोई तमीज सिखाओ यार, 250 कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया है मैंने। अबे पिछली पिच में तो तूने बोला तूने 200 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, अब ये 250 कहां से आ गई? अरे तो आदमी लोग बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट चालू है यार, दुकान बंद करके थोड़ी आए मूर्ख इंसान। अरे तुम अपना बताओ यार, तुम्हारे नाम तुमने सोचा कैसे? वो क्या है सर, हमारे पिताजी को है ना थूकने की बीमारी थी, तो उनकी थूकने की इसी बीमारी को ना आगे बढ़ाने के लिए हमने ये जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है। बेटा सुन, थूकना ना तेरे बाप को नहीं तेरी माँ को चाहिए था, तब तो तू पैदा भी नहीं होता और ना तेरा ये जबरदस्त प्रोडक्ट बनता, समझा? मैंने ना इससे घटिया प्रोडक्ट लास्ट चमन का देखा था। इससे घटिया प्रोडक्ट ना आज तक बना है ना कभी बनेगा, ये दुनिया का पहला और आखिरी प्रोडक्ट है। मुझे भगवान बचा ले इस प्रोडक्ट से, मुझे भगवान उठा ले, मार दे जला दे, मुझे पेट्रोल दो, मेरी नस काट दो, मेरी नसबंदी करा दो, कटोरा बेच रहे भाग मादर। देखिए आप जब थूकते हैं तो आपकी थूक आउट जाती है, तो उसी तरह से मैं भी आउट हूँ, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट, थूकते रहिए। मैं तो देखना होगा मारूंगा। अरे आप लोग मेरे पे क्यों भड़क रहे हो, हाँ स्पीच में थोड़ी 19-20 हो गई रहेगी। अरे मेरी तरफ ना देखिए, मैं इस प्रोडक्ट पे थूकू भी ना, मेरी एक पार्टनर है वो अच्छे से समझाएगी। ए मृगना इधर आना। क्या हुआ शार्क्स, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आई एम इन। अरे अभी तो इसने बोला मैं इस प्रोडक्ट पे थूकू भी ना। हाँ तो सही बात है, खुद के इन्वेस्टमेंट में कोई थूकता है क्या? अबे कैसा आदमी है ये, मस्त तू, तू बता कैसा? हाँ तो आपको कितने पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? सर हमारी आज 60,000 की है। अच्छा तो सिर्फ 6,00,000। तो क्यूटी आपकी इक्विटी कितनी है? 50% और इसकी? सेम 50%। हाँ तो ठीक है, इसकी 50 हुई मेरी और मैं आपका, आप और मैं फुल ट्रांसपेरेंसी, कोई थर्ड पर्सन नहीं, यू गेट आउट। ठीक है, कांग्रेचुलेशन, हाथ मिलाइए। अरे हाथ हटाइए, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, कांग्रेचुलेशन। जबरदस्ती है ये। अरे तू जा चेक छुट्टा करा के आजा, ये लो, थैंक यू सो मच, 50-50 आप और मैं और नोबडी एल्स, ओके थैंक यू। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है भारती। आई लव योर शैडो। थैंक यू मैम। और मेरी कंपनी का नाम है
बैड लक भारती, क्योंकि मेरी कंपनी में जितने भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया ना, वो सब बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। और तो और, जो भी इम्प्लॉइज थे वो बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आज तक एक भी रुपया नहीं कमाया। ओ हेलो मैडम, आप ना मेरी एक बात सुनो, ठीक है? मैं ना एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है विंजो। विंजो है ना गेमिंग का ऐप है जिसमें 100+ से ज्यादा गेम्स है, लाइक लूडो, क्रिकेट, कैरम और फैंटेसी स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट भी होते हैं इसमें। इसमें ना आप गेम खेल के पैसे जीत सकते हो और पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो इंस्टेंटली विद UPI, बैंक ट्रांसफर या तो पेटीएम। और तो और ना इसमें गेमिंग मोड है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। उसमें आप हारो या जीतो, आप ना फिर भी पैसे जीत सकते हो, ठीक है? और इसमें जो बड़े ब्रांड्स है ना, डोमिनोज, उबर, मिंत्रा, उसके ना डिस्काउंट वाउचर्स खरीद सकते हो। तो आप जो ये रोना लगा के बैठे हो ना कि मैं पैसे नहीं कमा पा रही, ये ना सस्ता शार्क टैंक है, इंडियन आइडल नहीं है। रोना मत लगाओ, चुपचाप बताओ आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? हाँ तो सर, मैं वही तो बता रही हूँ, मेरा प्रोडक्ट ही है बैड लक। तो शार्क्स, मैं आज बेचने आई हूँ अपनी पनौती फॉर जस्ट 20 लाख रुपीज For 100% इक्विटी। भाई साहब, मैं ना पागल हो जाऊंगा शो पे, कसम से कह रहा हूँ। कोई अपनी माँ की फूक बेच रहा है, कोई बाप का थूक बेच रहा है, अब अगला क्या है? बहन का बाल, भाई का केला। और भाई अगर तुम लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया ना, मैं तुम लोग की शक्ल भी नहीं देखूंगा। ओ चमन, तेरे को क्या जरूरत है इस प्रोडक्ट की? हाँ, तेरा तो वैसे भी बैड लक चल रहा है, तू है ही पनौती साले खुद। और आप जब टाइम आता है तब आई एम आउट बोली है ना, अब तो बोले आई एम आउट। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनमें मेरी एक्सपर्टीज। अरे आप मुझे क्यों पकार रही है? उसे बोलिए ना सीधा आई एम आउट। आई एम आउट। अरे उसे बोलिए ना। ये जो प्रोडक्ट्स हैं। अरे आप आई एम आउट बोलिए ना। आई एम आउट। थैंक यू। लेकिन मैं इन हूँ। अबे ओ येड़े, तेरे को ये बर्बाद करके छोड़ देगी? मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब कि इनके पनौती की वजह से हमारे कपल्स के बीच में लफड़े बढ़ेंगे, उससे डाइवोर्स रेट बढ़ेगा, उससे मेरा धंधा बढ़ेगा divorce.com। भारती जी दिल ध्यान है, इनको पेड़ों को छोड़ो, अब चुका दू मोटा। मुबारक हो, मुबारक हो। 921 करोड़। थैंक यू सो मच सर। अरे पगली, फोन नंबर है मेरा, जीपे में हाय भेजो, सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा अपने। सारे? अरे जितना मांगोगे वो सारे एक साथ ट्रांसफर कर दूंगा यार। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट टू यू। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, ठीक है? देखा शार्क्स, मैं हमेशा ऐसे ही पकड़ा जाता हूँ। अच्छा ये कंटेस्टेंट है? भाई क्या बात है, इसे बोलते हैं पिचिंग, वेरी नाइस। सीख कुछ चमन, सीख। इसे कहते हैं पिच की ओपनिंग। बताओ बॉस, बताओ। आई एम वेरी क्यूरियस। सो शार्क्स, मेरे को ना एक्चुअली एक बीमारी है। एक्चुअली ये बीमारी का नाम है चोरी, और बचपन से ही मेरे को चोरी करने का ना बहुत ही ज्यादा शौक है। और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को ऐसा नॉर्मी पॉकेट मार नहीं बनना है, मेरे को बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल और वर्ल्ड फेमस चोर बनने का है। वाओ। सो मेरा ये ऑफर है कि मेरे को चाहिए 2 लाख रुपए और मैं आपको दूंगा 10% इक्विटी। भाई 2 लाख रुपए का क्या करेगा तू? चोरी का क्रैश कोर्स करेगा? देखो, 2 लाख में से पहले तो 20% मैं VM फंड्स में डालूंगा, और बाकी के 80% से ना मैं एक सेकेंड हैंड हायाबुसा खरीदूंगा। वो क्या है ना, हायाबुसा से चोरी करूंगा तो शायद मैं एक दिन जॉन अब्राहम जैसा चोर बन जाऊंगा, फिर उसके बाद 30 बार खान जैसा बन जाऊंगा, और एक ना एक दिन मनी हाइस्ट का प्रोफेसर तो बन ही जाऊंगा यार। तो ये आपका विजन है? अरे विजन तो वोंडा के पास है, मेरा तो मिशन है। मेरे को ना खुद का एक दिन चोरी का ऐप लॉन्च करना है जिसका नाम होगा जरा जरा कैच मी। कैच मी? कैच मी? नहीं नहीं, जरा जरा किस मी। किस मी? किस मी? अरे नहीं, जरा जरा होल्ड मी, होल्ड मी, होल्ड मी। अरे जरा जरा। ओ ओ, अबे इधर लिटिल चैंप्स नहीं चल रहे भाई? तू अपने ऐप के बारे में बता। ओके सर, तो मैं मेरे प्रॉफिट में से 20% VM फंड में डाल दूंगा और बाकी का प्रॉफिट आपके साथ शेयर कर लूंगा। ओके भाई, मैं कब से सुन रहा हूँ VM फंड, मैंने PM फंड सुना है, CM फंड सुना है, अब ये VM फंड क्या है? अरे सर, VM फंड मतलब विजय माल्या फंड। वो क्या है ना, कभी भी बिजनेस में ऊंच नीच हुआ ना तो ये फंड लेकर पहली फ्लाइट पकड़ के लंदन सेटल। वाह भाई, इसका तो फ्यूचर पहले ही सिक्योर्ड है। भाई सुन, मैं ना तेरे को एक ऑफर देने को तैयार हूँ। मैं ना भारत दे का फाउंडर हूँ। भारत दे ना इतना बड़ा ऐप है, वसूलने का ऐप है, इनकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की। तो इस देश में जितने भी गुंडे, मवाली, वसूलने वाले, बैंक वाले, डॉन, जो भी है ना, सब वसूलते पैसे मेरा QR कोड यूज करके। तो तू मेरे को ज्वाइन कर ले, मैं तेरे को उनका कॉन्टैक्ट दिला दूंगा। अरे तुझे चोरों का इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, मुझसे बड़ा चोर और कोई है ही नहीं। और चेंज आई एग्री विद। तूने अमन गुप्ता का नाम सुना है? अरे वही बोट वाला,
उसका मैंने बोट का कंसेप्ट चुरा के अपना गोट बना लिया, इससे बड़ी चोरी और क्या होगी। चोरी नहीं, इसे चिंदी चोरी बोलते हैं। भाई देख, तू भी अकेले चोरी तो करेगा नहीं, तो मेरे जो 300 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है उसके 600 वॉचमैन की मदद से हम किसी भी सोसाइटी में चोरी कर सकते हैं यार। सस्पिशियस डिलीवरी में मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो तेरी डिलीवरी करवा देंगे। नहीं कर पाएंगे, मेरे गेट पे 2000 वॉचमैन रोक देंगे उसे। हम गेट तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। अबे गेट है, इसका हेडफोन नहीं, टूट जाएगा ऐसे। एक मिनट भाई सुन, मैं ना तेरे लिए जबरदस्त ऑफर लाता हूँ, एक ओ ऑनियन उत्तपम। अभी तू छोड़ इन लोग को, तुझे क्या 2 लाख चाहिए ना, मैं तुझे 4 लाख देता हूँ। छोड़ भाई, कार ले ले, बनाओ अभी 4 लाख का चेक बनाऊ। सुन भाई बॉस, हमारे पास ना तेरे लिए एक बढ़िया सा ऑफर है। सॉरी सर, नो ऑफेंस, बट मुझे लगता है कि बबीता जी के पास मेरे लिए कोई मस्त ऑफर है। वो डायरी में कुछ तो लिख रही है, देखो। नहीं नहीं, मैं तो कब का आउट हूँ, मैं तो आपकी ड्राइंग बना रही थी। भाई तू सुन, हम दोनों शार्क इनोरे टोटल 6 लाख देने को तैयार है, 5-5% इक्विटी। बस हमारी एक शर्त है, तू ना 4 लाख चमन से चुरा के हमें देगा। तू बता, 3 लोन है? ठीक है, डन डन। गुड डील, गुड डील। भाई ये बढ़िया काम किया तुमने। अबे हाँ, दिन चेक कमीज फट जाएगी। कॉन्ग्रेट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, एक ही डील में तुझे 3-3 शार्क मिल गए। 3 के से 2 ना, आप और ये उत्तप्पा। अबे एक चमन भी तो है, बस उसको मालूम नहीं है उसके पैसे चुराने वाला है तू। अच्छा सुन, 1 महीने बाद डिपॉजिट करना, अकाउंट में पैसे नहीं है। आपके तो है ना। अबे 400 के ऊपर इन्वेस्ट कर चुका हूँ, भाग कैसे। हेलो शार्क्स। हाँ, ये बंदा ना शक्ल से जेन्युइन लग रहा है। बोल बोल बोल। आज मैं आप सबसे मांगने आया हूँ सिर्फ 500 रुपए। 500 करोड़? अबे अबे इसका कान फट गया है। अरे कान नहीं फटेगा तो क्या फटेगा, 500 करोड़ मांग रहे। 500 करोड़ नहीं, 500 नहीं, 500 करोड़ मांग रहे बहरे। अबे तू बहरा? अरे मैं 1 रुपया नहीं दे रहा। अबे यार उत्तपम, इस बहरे को सुना, बता इसको क्या ऑफर है, बोल। सपने आसमान छूने के होने चाहिए, लेकिन पैर जो। अरे यार दमशराज, खेलते तो हिंदी इंग्लिश तो बता दिया करो, मुझे हवा क्या छोड़ रहे हो। 500 रुपए? अच्छा 500 रुपए मांग रहे है। अरे यार तू इन सब की बकवास छोड़, मेरे को ये बता कितनी परसेंटेज की इक्विटी देगा हमें। मैं आपको देने वाला हूँ 49% इक्विटी। 49%? बॉस मैं हूँ। मैं तेरे को 1000 रुपया देने को तैयार हूँ, ठीक है। मैं 2000? मैं 3000 देने को तैयार हूँ तुझे। मैं बता दूँ, इसके QR कोड में 2000 के ऊपर पैसे नहीं आते। अबे वो मेरे QR कोड को क्यों बीच में ला रहा है, मैं तेरा divorce.com का ना धंधा बंद करवा दूंगा, समझा। उम्र का लिहाज करो, इसलिए चुप बैठा हूँ मैं। अबे मैं तुझसे छोटा हूँ। अरे मूर्ख इंसान, अपनी उम्र की बात कर रहा हूँ मैं। ज्यादा बकवास मत कर, बबीता जी को उठा के तेरे पे फेंक दूंगा। अजीब बहन का लौड़ा है ये, मुझे मालूम है। तुझे सुनाई दे रहे? हाँ तो भैरा थोड़ी ना हो अंकल जी। देख भाई, मैं ना तुझे फाइनल सबके ऑफर बता देता हूँ। मैंने तुझे 3000 रुपए ऑफर किए, उस बुढ़ऊ ने तुझे 2000 रुपए ऑफर किए। तुझे मैथ्स तो आती है ना, हिसाब तो आता है, अब तू बता तुझे किसका ऑफर लेना है। चमन सर, आपका क्या ऑफर है? एक्चुअली मैं चमन सर के ऑफर में इंटरेस्टेड हूँ। बॉस मैं आउट हूँ। सर क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं आउट हूँ। तूने अभी क्या कहा कि मैं चमन सर के ऑफर में भी इंटरेस्टेड हूँ? नहीं, इसने ये नहीं बोला, इसने ये नहीं बोला। मैंने तेरा अभी दोगलापन निकालता हूँ। मैं बताता हूँ तू कितना बड़ा दोगला है। तू इधर आया, ठीक है, तूने पिच किया, तो बोल दो ना, बोल दो कि जो सबसे हैंडसम है, जो डैशिंग है, जो चार्मिंग है, जो पूरा मार्केट चला रहा है, उससे तुमको पैसे नहीं चाहिए। अबे तू किसी से पैसे मांगने आए या तू पैसे मांगने आए? मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तूने क्या गलती करी है। एज अ एंटरप्रेन्योर यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल एंटरप्रेन्योर्स। आई एम सॉरी सर। थैंक यू सो मच चमन। अबे एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ, तेरी नहीं, तू एंटरप्रेन्योर रहा तू।
अबे ओ, तेरे को एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग भी आती है क्या? हाँ आती है। तो बता। तो बता देंगे। अबे अभी बताना। O-N-T-E-R। अबे वो उंटे आमरा नहीं एंटरप्रेन्योर है समझा? अब तू छोड़ इसको, छोड़ इसको। तू बोलता रहे अच्छा लग रहा है, फील आ रही है मेरे को, फील आ रही है। देख वो तुझे 3,000 रुपए दे रहा है, मैं तुझे 5,000 रुपए देता हूँ। अब तू ही देख ले, तेरे को लड़ाकू आदमी चाहिए या सपोर्टिव आदमी चाहिए। चेक रेडी है, बोल दू आऊ वहां पे। चमन सर मैं आपके ऑफर के साथ जाना चाहूंगा। यस। बॉस हिंदुस्तान में ना किसी को मैथ्स नहीं आती, सबको सिर्फ बायोलॉजी आती है, इसलिए हम लोग पॉपुलेशन में इतना आगे। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन आपने अपने बिजनेस के बारे में तो बताया ही नहीं, ये 5,000 करोगे क्या? एक्चुअली सर हमें ना इस 5,000 रुपए को 50 करोड़ में कन्वर्ट करना है। 50 करोड़? वो कैसे? वो तो तू बताएगा ना। तू 49% का मालिक है, मैं 51% का मालिक हूँ। तो कौन बड़ा पार्टनर हुआ? कौन बड़ा पार्टनर हुआ? मैं ना, मैं तेरा आपसे बॉस हो गया। चल बता इस 5,000 को 50 करोड़ में कैसे कन्वर्ट करे, बता। मैं कैसे बताऊँ, मुझे क्या मालूम। तो तू क्या इधर घंटे का शार्क है? जल्दी से शूटिंग खत्म करके 2 घंटे में ऑफिस पहुंच जा। आज ही मेरे को 1 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, वरना कोड़े मार मार के शार्क से पॉम्पलेट मच्छी बना दूंगा, समझा? समझा? अरे जाना। काम चोर साले। ओ भाई शार्क आ गया, असली शार्क आ गया। ओ भाई। और इन्वेस्ट कर बिना आइडिया सुने गांडू। ओए ऑनियन उत्तपम। हाँ जी। ये गोट के हेडफोन्स चल रहे? चमो। हाँ बताओ जी। चल रहे चल रहे। चलो अच्छा है, अच्छे से गालियां दे पाएंगे। हेलो शार्क्स, आई एम हियर टू एसर्बेट माय एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स वेंचो, ये क्या होता है? आपका ये वर्ड मेरी डिक्शनरी से आउट है, तो इसीलिए मैं भी आउट हूँ। पनीर भाई इसकी दोगला बंदी निकालो, बड़े बड़े वर्ड फेंक के मार रहे हैं हमें। देखो बॉस मैं क्या कहता हूँ ना, थोड़ी सीधी और सरल भाषा यूज करो। यहाँ पे ना कुछ गवार लोग बैठे, ये गवार लोग आ जाते हैं बिना पढ़े लिखे सेट पे और बोलते कि हम एंटरप्रेन्योर है। ओए, उसने गवार बोला था, कैमरा मेरे पे क्यों डाल रहे? जूता फेंक के मारूंगा गांडू। वापस कर कैमरा, उधर कर। शख्स मैं आपसे मांगने आया हूँ 30,000 रुपए एट एन इक्विटी ऑफ 10% और कंपनी का वैल्यूएशन है 1,000 करोड़ रुपीस। भाई तू कौन से जीनी की गांड घस रहा है जो 30,000 में 1,000 करोड़ की वैल्यूएशन देगा? भाई ये सस्ती डीलों से दूर रहो, मैं बता रहा हूँ ये पिछले वाली की तरह चूतिया काट रहा है। वो साला अभी मेरे को मैसेज करता है, बोलता है ऑफिस क्यों नहीं आ रहा, 49% का मालिक है तू, ऑफिस आने से कोई तरीका होता है? आई एम आउट। भाई मैं तेरे को 60,000 रुपया देने को तैयार हूँ, पहले तू बता तेरा बिजनेस क्या है। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 30,000 चाहिए और वो भी मैं 5,000 करके 6 फेजेस में लूंगा, उससे मेरे कंपनी का वैल्यूएशन 1,000 करोड़ तो हो ही जाएगा। अबे तू है कौन, आईपीएल में सट्टा वट्टा करता है क्या? मित्तल ग्रुप का नाम सुना है? अनुपम मित्तल, अरे वो तो मेरा इनडायरेक्ट पार्टनर है। अबे तू कैसे जानता है उसको, तेरी औकात है क्या? अरे उसका शादी.com मेरा divorce.com, वो शादी कराएगा तो ही तो मैं डिवोर्स करवा पाऊंगा ना, बिना शादी का डिवोर्स कभी सुना है? चूतिए। अरे वो नहीं, मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उसके मालिक संजय मित्तल को जानते हो? हाँ, उन्हीं का बेटा हूं मैं, श्याम मित्तल। अरे श्याम बाबा, आप तो कितने बड़े हो गए हो, बचपन में देखा था तो छोटे हुआ करते थे। बबीता जी इनके जो पिताजी है ना संजय मित्तल, अरे माई बाप है, हमारे गुरु है। जब ये जेब से रुमाल निकालते ना कंपनियां छुट्टों की तरह गिर जाती है। मेरी पहली कंपनी में भी इनका इन्वेस्टमेंट था। पर श्याम बाबा आप इधर शार्क टैंक में क्या कर रहे हो, और आपको 30,000 रुपए क्यों चाहिए? 5-स्टार होटल से चाय वाय मंगानी तो मंगा के देते ना बाबा। अबे वो संजू रोज दिमाग चबाता है यार। कौन संजू? अरे संजय मित्तल मेरा बाप। रोज सुबह उठ के ताने मारता है मेरे को, तू बेरोजगार है, हरामी है, नालायक है, नल्ला है, तोता है। वो मेरे को क्या बोलता है कि अगर तूने हर महीने 5,000 कमाया ना खुद की दम पे तो कंपनी सारी मेरी नाम कर देगा। तो मैंने भी सोच लिया ना, हर महीने 5,000 करके 6 महीने 30,000 उसको दे दूं। नहीं नहीं, 30,000 उसके मुंह पे मारूंगा और 7वें महीने कंपनी किसके नाम? मेरे नाम। कंपनी का वैल्यूएशन कितना हुआ? 1,000 करोड़ और उसका 10% इक्विटी 100 करोड़। वो तुम भिखारियों में बांट दूंगा। अरे तो श्याम बाबा एक काम कर लो ना, 5,000 क्यों, आप 30,000 ले लो, मुझसे ज्यादा दिखा दो शेयर। 5,000 के ऊपर 1 रुपया देने का नहीं मेरे को उसको, PS5 इस सेकंड हैंड दिलाता है वो। श्याम बाबा मैं क्या बोलता हूँ, आई एम इन, आई एम आउट। पहले तेरे को इस डील से आउट करूंगा, फिर तेरे को तेरी कंपनी से आउट करूंगा, फिर तेरी सारी बकरियां खरीद के ना तेरी गोट कंपनी हड़प लूंगा, फिर जिंदगी भर तू मैं करता फिरेगा। श्याम बाबा मैं अरे अभी नहीं, 6 महीने बाद। श्याम बाबा मैं क्या बोलता हूँ, मैं और उत्तपम जी साथ में आ जाते, प्लीज हमें इक्विटी दे दो। अरे इवन आई एम इन,
आप ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कुछ अनहोनी हो गई हो? ठीक है श्याम बाबा, मैं उत्तपम और बबीता जी तीनों साथ में आपको पैसे दे देंगे, प्लीज हमें इक्विटी दे दो, आपस में बांट लेंगे, प्लीज ये डील करते ना प्लीज। हाँ चलेगा चलेगा। यस यस। बताओ श्याम बाबा किसके नाम पे चेक बनाना है? अबे पागल है क्या, लाइन में कौन खड़ा रहेगा, सीधा बैंक ट्रांसफर कर मेरे को अब, और 500 रुपए एक्स्ट्रा करना, वो सिगरेट खरीदने का मेरे को, संजू साला बेल्ट से मारता है। ठीक है बाबा भिजवा दूंगा। क्या बात है उत्तपम जी, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। बबीता जी आपको भी मुबारक हो, जिंदगी की पहली डील है। अरे थैंक गॉड बॉस आप आ गए, मेरा ना इनके साथ सर फट रहा है, मेरे लिए तो चाय लेके आओ। मेरे लिए गर्मा गर्म आइसक्रीम। बबीता जी आप कुछ लेंगी चाय वाय? I'm out. अरे मैं आपको इक्विटी नहीं ऑफर कर रहा हूँ, चाय ऑफर कर रहा हूँ, कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया करो। भाई यार तू चाय ला। अरे शख्स मैं कंटेस्टेंट है। कंटेस्टेंट? भाई तू पहले ही बता दे, तू अंबानी अंबानी का बेटा तो नहीं है ना, इधर लोगों की बकरियां बिक गई है। अरे नहीं मैं तो येल यूनिवर्सिटी का प्यून है। येल यूनिवर्सिटी, वो अमेरिका वाली? हाँ वही जो अमेरिका से 18,000 किलोमीटर दूर इधर सानपाड़ा में है। अबे सानपाड़ा में कौन सा येल है? यशवंतराव अमृतलाल लखनभाई इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ईयर में तो कॉलेज का नाम ही बुढ़ाते होंगे। बॉस तू शार्क टैंक पे क्या कर रहा है? मैं आज आपसे मांगने आया हूँ 30 लाख रुपए, और बदले में आपको दूंगा 8% इक्विटी अपने बिजनेस का। अबे तू किस चीज की इक्विटी देगा, समोसों की? देखो सपने जो है आसमान छूने के होने चाहिए, पर गांड जो है वो जमीन पे कसती है, ज्यादा कसोगे तो चिंगारी भी निकलती है। ओए मैं पहले ही बता दूं मैं आउट नहीं हूँ, पहले मैं पूरी पिच सुनूंगा फिर डिसाइड करूंगा, तू बता बता आगे। अभी मैं आपको मेरा बिजनेस समझाता है। मेरे कॉलेज में 70% बच्चे लाए हरामी, और 40% बच्चों का प्रिंसिपल खुद आईडी जब्त करता है, उसको छुड़ाने का फाइन 200 रुपया, मैं 50 में छुड़ाता है। 0% इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट। वाओ। अभी मैं आपको दूसरे धंधे के बारे में बताता है, उसमें मेरा हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम बिस्ट्यूम करके 30,000 रुपया खर्चा हो जाता है। बॉस हेयर मेकअप थिएटर करते हो? अरे नहीं ना सर, वो कॉलेज में पेरेंट टीचर मीटिंग होता है ना, उसमें बच्चे लोग मेरे को ही कभी चाचा कभी दादा कभी मामा बना के लेके जाता है, और वो तो कुछ भी नहीं, कभी कभी तो माँ भी बनना पड़ता है, उसमें मेकअप का बहुत खर्चा हो जाता है। वाओ। और मेरा मेन धंधा तो एग्जाम टाइम में शुरू होता है, अरे क्या टर्नओवर होता है उसमें। कैसे? अरे मैं पेपर लीक कराता है 1001 कॉपी का, लेकिन शक मैं बहुत ईमानदारी से चीटिंग करता है। अरे जो पेपर लीक करता है एग्जाम में वही चाहता है। एक दिन तो मैंने गलती से इंग्लिश पेपर के दिन मराठी पेपर लीक किया, आई शपथ इंग्लिश पेपर में मराठी में क्वेश्चन आया शेक्सपियर से वडिलांचा नाव काय, काय नाव पाइसा। लेकिन साहब मैं दिल का बहुत अच्छा है, अगर अमीर बच्चे लोग का जेब काटता है तो गरीब बच्चे लोग को फ्री में पेपर भी बांटता है। वाह क्या बात है। लेकिन एग्जाम के बाद हलवा है क्या? लेकिन शख्स हमारे धंधे में बहुत रिस्क है रे बाबा, वो दिन ही वो हलकट प्रिंसिपल मेरे को पकड़ लिया और सस्पेंड कर दिया, इसीलिए आज मैं इधर आया आपसे 30 लाख रुपए लेने के लिए। अबे 30 लाख क्यों चाहिए, प्रिंसिपल की सुपारी उपारी देनी है क्या? अरे नहीं ना साहब, वो प्रिंसिपल का पोजीशन 30 लाख रुपए में बिक रहा है, तो मैं वो खरीद के खुद ही प्रिंसिपल बन जाऊंगा, और वो हलकट प्रिंसिपल को मैं प्यून रखूंगा। लेकिन इससे तो तेरे पर्सनल गर्जे सॉल्व होंगे ना, इससे धंधा कैसे होगा ये बता। अरे सोचो अगर मैच प्रिंसिपल बन गया तो अपना धंधा तो 10 गुना बढ़ जाएगा ना, मैं बच्चों लोग का आईडी जब्त नहीं करेगा, सीधा 50 रुपए लेगा, मैं पेरेंट्स लोग को बुलाएगा ही नहीं, सीधा 50,000 रुपए लेगा। वेरी इंस्पायरिंग। मैं कॉलेज के हर चीज को धंधा बना देगा, 500 रुपए दो असाइनमेंट माफ, 1,000 रुपए दो प्रैक्टिकल माफ, 2,000 रुपए दो लेक्चर माफ, आणि 5,000 मध्ये अटेंडेंस माफ। ये बंदा बहुत आगे जाएगा। अरे ये तो दिन का कमाई है, रात का सोचो कितना होएगा। अबे कॉलेज तो शाम को बंद हो जाते हैं, रात को क्या करेगा? अरे रात को मैं कॉलेज भाड़े पे चढ़ाएगा, केमिस्ट्री लैब में पटाखे बनवाएगा, बायोलॉजी लैब में हॉस्पिटल चलाएगा, एवी रूम को मल्टीप्लेक्स बनाएगा, कैफेटेरिया में होटल चलाएगा, और क्रिकेट ग्राउंड तो अपना खाली चे ना, तो उधर IPL जमाएगा। क्या बोलते
शख्स भाई, ये बंदा कितना वर्सेटाइल है, इसे बोलते ना एंटरप्रेन्योर। अब जाके शो में कंटेस्टेंट आए, शर्म आ रहा है शख्स क्या। थैंक यू, आप तो मेरा मास्टर प्लान सुने ही नहीं अभी तक। मैं एग्जाम के टाइम में बच्चे लोग को चीटिंग का 4 सब्सक्रिप्शन देगा। ओए कमाल हो गया ओए। पहला सब्सक्रिप्शन 1,00,000 रुपए का, इसमें बच्चे लोग को एग्जाम में चिट सप्लाई करेगा। एक्सीलेंट। दूसरा सब्सक्रिप्शन 5,00,000 रुपए का, इसमें बच्चे लोग को एग्जाम में डाइजेस्ट ही सप्लाई करेगा। मल्टी मिलियन बिजनेस। तीसरा सब्सक्रिप्शन 10,00,000 रुपए का, इसमें बच्चे लोग को डायरेक्ट टीचर ही सप्लाई करेंगे एग्जाम लिखने के लिए। इसे कहते हैं ना नए इंडिया का भारत। और फाइनल सब्सक्रिप्शन 50,00,000 रुपए का। 50,00,000 भाई, इसमें क्या होगा? उसमें क्वेश्चन पेपर में आंसर भी छप के आएगा, आपको खाली नाम लिखने का है। डीआईडी नहीं चल रहा है, लेकिन मैं ग्रैंड सल्यूट देना चाहूंगा, तू है असली एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते शख्स, कौन कौन इन है? हम ना चारों शख्स इन आना चाहेंगे भाई, हमारे देश के बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। क्या बोलता है, डील डन करे? अरे डन 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 नक्की। या इकड़े मुझे पैसा ना, या या। देख भाई चारों शार्क इन है, तूने इस धंधे का फ्यूचर सोचा है क्या होगा? अरे सर, आप लोग अगले सीजन मेरे को सब लोग 1,00,000 रुपया दो। मैं बोरड के साथ में ऐसा सेटिंग बैठाएगा कि इधर बच्चे ने एडमिशन फॉर्म भरा नहीं, कि उधर डिग्री हाथ में, फिर कॉलेज का क्या करने का, बेच डालेंगे, शॉपिंग मॉल खोलेंगे। अरे ताली ना रे, चेक दे चश्मीश, चेक दे 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 चेक दे। अगर आपने भी है बिजनेस का चस्का, जज्बा और मास्टर प्लान, तो आई एम आउट। अबे यार ये, तो प्लीज लॉग इन करे इस वेबसाइट पे और अप्लाई करे सीजन 2 के लिए, हम एंट्री ले रहे हैं, ठीक है? अरे अभी चलो, नहीं तो असली शख्स आ जाएंगे, ठीक है? चलो लेट्स गो आउटसाइड। वाओ दैट्स माय फेवरेट प्लेस। हेलो सस्ता शार्क टैंक। बैन के लोड़ो, कितनी बार बोला है मेरा चेक मत दिखाया करो, टीवी पे किसी ने साइन कॉपी कर ली, माँ का भूत तुम लोग की भेज, मेरा बैंक अकाउंट हैक हो गया, तुम्हारी माँ की चुत। वीडियो को ना लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, शेयर तो मेरे 400 कंपनीज में। भाई मैंने तेरे से पूछा तेरे से भाई, तेरा डायलॉग बोल और सब्सक्राइब भी कर ही दो, कभी सीधे मुंह मत बोलना। और हाँ सुनो, विंजो करके गेमिंग ऐप है, उसे डाउनलोड करो, बढ़िया सी कंपनी है, मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, बहुत बढ़िया गेमिंग ऐप है, लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, जाओ। एक और इन्वेस्टमेंट है।